मजीद मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार वेजिटेबल स्टफ्ड बंस बनाएंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे फिलिंग में डिपिट का चिली सॉस, और हम बनाएंगे आज ज़रदा पुलाव। बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है लेकिन, ठीक है। और हम एक आपको एग फ्री मेयोनीज बनाना सिखाएंगे, उसको हम सर्व करेंगे स्टफ्ड बंस के साथ। बहुत सारा काम है आज तो हमारे शो पे, तो हम शुरू करते हैं, डो बनाते हैं, लेकिन हम सवाल पूछ लेते हैं पहले। डिलक्स केटल है इनिक्स की तरफ से, अगर आपको जीतना है तो जल्दी से आप हमें बताएंगे कोई भी देसी मीठों के नाम, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। देसी मीठे 8881 पे एसएमएस करिएगा। चलिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ है दूध, 1/4 कप जितना वार्म दूध है, उसमें आपने डालना है खमीर, ठीक है, 1 चमचा भर के है। ये इंस्टेंट यीस्ट पाउडर है, और इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा आप इसमें डालेंगे नमक, और आप इसमें डालेंगे चीनी, ठीक है। और आप इसको ऐसे मिक्स करके छोड़ देंगे। 1.5 कप मेरे पास मैदा है, 1/4 कप दूध है, 1/4 कप गर्म पानी यहाँ हमने लेना है, ठीक है। 1 चमचा भर के मैंने खमीर लिया हुआ है, 1 चमचा पिसी हुई चीनी थी, 2-3 चमचे आप ऑलिव ऑयल के लेंगे। सब कुछ जाएगा मैदे के साथ इन माय बोलिया। अब इस डो को आपको गूंद के रखना है, प्लीज़ गूंद के रखिएगा 1 घंटा। सर्दियों में 1.5 घंटा भी लगता है राइज होने में, क्योंकि खमीर है, लेकिन अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू इमीडिएटली डू इट, ठीक है जी। ये ऑलिव ऑयल चला गया और नमक हो गया है। इसको आप जब टाइम देंगे राइज होने के लिए, तो आप देखेंगे कि चीनी, नमक, खमीर, दूध सब कुछ मिक्स जब साथ होता है तो अच्छा सा फ्रॉट सा हो जाता है। इसको भी मैं साथ डाल देती हूँ, और होपफुली दिस विल राइज इन सम टाइम। मैं क्या करूँ ना, मुझे तो आपको दिखाना था कि डो कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, कैसे पता चलता है डो बन गया है। डो इस तरह एक बॉल्स की शक्ल इख्तियार करेगा, निकाल के ऐसे दबा के देखिएगा, नरम होना चाहिए लेकिन स्टिकी नहीं, ठीक है। अब इसको हम निकाल के रख देंगे एक ऑयल लगा के एक बोल में, उसको हम राइज होने के लिए रख देंगे, ठीक है। फिर हम उसके पेड़े बना देंगे, स्टफ्ड बंस हैं तो वेजिटेबल के साथ मसालेदार हम चिली सॉस डालेंगे, डिपिट का, और स्टफ्ड बंस बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस डो को हम रख देंगे कहीं माइक्रो में निकाल के, आपने इसको अच्छी तरह गूंदना है, अच्छी तरह आपने इसको बैंग करना है काउंटर पे या बोल में इस तरह, और आप इसको छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा हम नेचुरल कुकिंग ऑयल लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, इसको ग्रीस कर देंगे इस पूरे बोल को इस तरह, और इसको फिर हम नीट करके रख देते हैं, ठीक है। बस हो गया ये, इसको हम रख देते हैं, दूसरी सारी चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं और फिलिंग बनाना शुरू कर देते हैं। आप लोग इसको ढांक दीजिएगा इस डो को, और माइक्रोवेव में, बंद है माइक्रोवेव, उसमें रख दीजिएगा, हीट लगती रहेगी। यहाँ अवन है नीचे, हमने जो प्रीहीट किया हुआ है, ठीक है, समझ आ गया।
आप लोग प्लीज़ एक से डेढ़ घंटा पहली दफ़ा डो को राइज होने दीजिएगा, फिर फिलिंग बनाइएगा, फिलिंग को बिल्कुल ठंडा करिएगा, उसके बाद उस फिलिंग को ये पेड़े बनाइएगा छोटे छोटे, उसमें जगह करिएगा फिलिंग या मसालेदार सब्जियों की फिलिंग रख दीजिएगा। उसके बाद आप उसको बंद करके एक ट्रे पे रख दीजिएगा, फिर दोबारा आधा घंटा राइज होने के लिए, डबल प्रूफिंग इसको कहते हैं। चलें अब हम शुरू करते हैं विथ आवर फिलिंग, जो कि है हमारी स्पाइसी मसालेदार मज़ेदार वेजिटेबल की फिलिंग। थोड़ा सा नेचुरल कुकिंग ऑयल, डिफरेंट साइज़ में दस्तियाब है, रिफाइंड विदाउट एनी केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड एक्सट्रैक्टेड विदाउट एनी आर्टिफिशियल मीन्स। बहुत नेचुरल है, आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ऑयल ऑफ द फर्स्ट प्रेस। ओके जी, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखें। फलियाँ हैं, छोटी छोटी काट दीजिएगा, हरा धनिया है, गाजर है, और ये है हल्दी, प्याज है, इसमें गरम मसाला पाउडर है, अजवाइन है, गोभी है, नमक जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर है, चीज़ है, और एक बड़ा आलू है बॉईल करके मैश किया हुआ है। ठीक है, ये जो तिल है, तिल हम बाद में ऊपर से लगाएंगे, और लेमन जूस है, एंड ऑफ कोर्स डिपिट का सॉस। छोटा सब कुछ लिया था, सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी ली थी, फिर भी इतनी सारी हो जाती हैं, ऑब्वियसली फिलिंग फिर ज़्यादा होगा। आप डबल करके भी बना सकते हैं, वो बंस का जो डो है वो डबल कर दीजिएगा। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने SMS करना है 8881 पे और बताना है देसी मीठों के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम लेते हैं ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ प्याज हो गया था, अब हमने इसमें सब्जियाँ डालनी हैं जो जिसको टाइम लगेगा पकने में। फलियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी काट लीजिएगा, थोड़ी सी लीजिएगा, जो भी सब्ज़ी आपको ऐड करनी हो। ठीक है, गोभी है, यानी कि कैबेज, ठीक है, बंद गोभी है थोड़ी सी छोटी सी, गाजर है, फिलिंग मुझे ज़्यादा लग रहा है और डो जो है वो कम है, लेकिन हम फिलिंग को बचा लेंगे, दूसरी किसी चीज़ में डाल देंगे। अच्छा, फिर आप इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ एक आलू, बॉईल करके ही डालिएगा, पकाने का इसमें टाइम नहीं होगा। ठीक है, फिर आप इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन यानी कैरम सीड्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, और डिपिट का चिली सॉस। उसके साथ हम डालेंगे इसमें हरा धनिया थोड़ा सा, नमक जाएगा, और लेमन जूस, एंड चीज़, चीज़ी सा मसालेदार मज़ेदार सब्ज़ी का फिलिंग बंस के अंदर से, और फिर उसके साथ हम सर्व करेंगे एग फ्री मेयो। यहाँ पानी हो रहा है बॉयल, आप सोचेंगे किस लिए, तो मैंने ये चावल के लिए रखा हुआ है। अच्छा, ये फिलिंग मैं बंद कर रही हूँ, इसको हमें कुछ भी नहीं पकाना है। ठीक है, आलू को ज़रा मैशअप कर देंगे और फिर इस फिलिंग को निकाल देंगे ताकि पैन में ना रहे। ये थोड़े से लॉन्ग है, यानी कि क्लोव्स वो जाएंगे, इलायची साबुत या पाउडर्ड फॉर्म में आप डाल दीजिएगा, और इसमें हम चावल डाल देते हैं, एक से डेढ़ कप चावल हैं। इसको हम उबाल के निकालेंगे, छानेंगे, और फिर हम चीनी वगैरह में इसको पकाएंगे, और इसमें आप जो भी नट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी डालना चाहें। मेरे पास यहाँ है क्रैनबेरीज़ या किशमिश, पिस्ते हैं, बादाम है, ज़ाफ़रान है, चार मगज़ है, और अनारदाना है, एनी थिंग यू वॉन्ट टू ऐड। ठीक है, बस अब ये चावलों को होने दीजिए। यहाँ ये सब कुछ हम उठा लेते हैं और एक बोल में ये निकाल के ज़रा आलू जो रह गया एक आध पीस बड़ा, उसको मैशअप कर देते हैं।
डीलक्स केटल किस किस को जीतना है एनएक्स की तरफ से जो है, जल्दी से आप 888 पे मुझे बताएंगे दो तीन देसी मीठों के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। कोई कॉलर है हमारे साथ? आवाज़ नहीं आ रही कौसर, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आवाज़ नहीं आ रही यहाँ। कैसी है जरा जी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप फरमाइए। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी जी फरमाइए फरमाइए। हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करती हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये है कि आपका ना, असल में हम लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी नेट में, तो आप मसाला आ नहीं रहा था। अच्छा तो फिर? ये है कि अब तो खैर आने लगा है, शुक्र है, वो ट्यूनिंग वगैरह करवाई उससे। अच्छा वेरी गुड। काफी दिनों से आ नहीं रहा था। अच्छा 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 तो आपके सवाल का जवाब दूं? जी जी। एक तो गाजर, गाजर का हलवा बनाया था जी, पानी का मीठा बनाया था जी, मूली की, मूली का मीठा बनाया था, मूली का हलवा मैंने नहीं बनाया था और शकर कंदी का अच्छा ओके, देसी मीठों के नाम बस आ गए सारे, ठीक है, थैंक यू, मेरा नंबर नहीं लिया। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ओके, सारा फिलिंग जो है इसको हमें ठंडा करना है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा था, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में डो में डालें वो ठंडी होनी चाहिए, बेशक स्प्रिंग रोल का अंदर का हो, कीमा हो, आलू हो, जो भी हो, या फिर चाइनीज़ आप एग रोल्स बना रहे हों, या फिर आप समोसे की फिलिंग कर रहे हों, कुछ भी हो उसको ठंडा होना ज़रूरी है। तो ये जो है चीज़ के साथ मसालेदार मज़ेदार, हमने चिली सॉस डाला है डिपिट का, ये अच्छी तरह इसको ठंडा करना है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा की तरह हर चीज़ अवन अवन कह रही हूँ, फ्रीज़र में पॉप इन। ठीक है जी, थोड़ा सा तो ठंडा हो जाएगा एटलीस्ट। अच्छा, डो को मैंने यहाँ से हटा दिया है माइक्रोवेव में से, और मेरे हेल्पर छोटे छोटे बॉल्स बना रहे हैं। बॉल्स को हमें राइस करना है, बॉल्स को हमें राइज करना है, ठीक है। ये डो राइज होगा फिर उसके बॉल्स बनेंगे, बॉल्स के बीच में ऐसे हम जगह करेंगे, ये मसाला और ये सब्जियां और ये सब कुछ फिल करेंगे, फिर बंद करके उसको दोबारा राइज करने रखेंगे। और यहाँ मेरे पास एक टिन है, आप उस टिन में भी रख सकते हैं, साथ जोड़ के रख दीजिएगा, हमारे स्टफ बंस हम इसमें बनाएंगे। और जो यहाँ आपको सफ़ेद तिल यानी सेसमी सीड्स और काले तिल नज़र आ रहे हैं, उसको हम ऊपर से ब्रश करेंगे थोड़ा सा दूध, और फिर उसके ऊपर ये हम सफ़ेद तिल और काले तिल डाल देंगे, बस। ठीक है जी, ये दोनों मिलते हैं यहाँ, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सफ़ेद तिल डाल दीजिएगा। आमना है पेशावर से जी, हेलो हेलो, कहाँ गई, मुझे यहाँ आवाज़ नहीं आ रही। इमरान हेलो, हेलो जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, जरनक कैसी हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, फरमाइए जी। मुझे आपका शो बहुत A1 लगता है ना, यकीन कर इतनी अच्छी चीजें बनाती हैं, खासकर स्वीट डिशेज जो आप बनाती हैं। अच्छा मुझे जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपने जो कल वो बनाई थी ना, क्या क्या कहते हैं उसको, वो आपने पनीर खीर और एग आपने बताया था, भिंडी हर डाल जो बनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे भी आपकी जो रेसिपी होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है, यकीन मानिए कि मैं अगर शो ना देखूँ ना लाइव ना, तो रिपीट में मैं लाजमी नोट करती हूँ आपका शो। थैंक यू, रात में देख लीजिएगा 10:30 बजे। जी बिल्कुल देखती हूँ, बोरी मटन जो आपने बनाया था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कल, और दूसरा मैं आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। जी 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 जी, आलू का हलवा, गाजर का हलवा, खीर और दूसरा दाल का, माश की दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, वैसे तो सूजी का हलवा, आपने तो ऐसे बहुत जबरदस्त हलवे बनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी बहुत सारे हलवे प्लान्ड हैं, देखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे मौसम वैसे भी मौसम है, सर्दी में तो अच्छे भी लगते हैं ना जी। और आप डिशे बहुत जबरदस्त बनाती है, इसी तरह बनाती रहे, जिंदगी सेहत दे आपको और कामयाब भी दे मसाले चैन वालों को भी और आपको भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, घी लिया है मैंने थोड़ा सा जर्दा पुलाव के लिए, चावल यहाँ बॉईल हो रहे हैं, आप इसमें कोई सा भी गरम मसाला डाल सकते हैं, मैंने इसमें सिर्फ लौंग डाला है और इलायची का पाउडर डाला है ताकि फ्लेवर उसमें भी आ जाए चावलों में। चावल डाल के बॉईल कर दीजिएगा, बॉईल करके छान लीजिएगा, फिर जब चावल फुल डन हो जाएंगे तो हम चीनी के साथ पकाएंगे, वरना फिर चावल जकड़ जाते हैं। हम इसमें अरके गुलाब डालेंगे यानी रोज़ वाटर, 4 मगज़ हैं,
और बादाम हैं, ये हैं क्रैनबेरीज, ठीक है, क्रैनबेरीज डालें या फिर आप किशमिश डालें, जो भी आपको डालना है। मेरे पास थे तो मैं लाई। चीनी है, पिस्ते हैं और ज़ाफ़रान है, ये है जायफल का पाउडर यानी कि नटमैग, अनारदाना जाएगा इसमें, थोड़ा सा दूध जाएगा, थोड़ा सा आप चाहें तो पीला रंग डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा हम इसमें हल्दी भी डालेंगे। हल्दी मैं सोच रही हूँ इसी में डाल दूँ, थोड़ा सा अच्छा रंग आ जाएगा। फिर छान लेंगे इसको हम, ठीक है, ये सब कुछ हमें पिकअप करना है, ब्रेक का वक्त तो नहीं है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, ज़रा ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, बादाम और पिस्ते वगैरह, और उसको हम फ्राई करते हैं और फिर चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि आप लोग आएंगे तो आपके सामने फिर करेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखिए मैं नाज़रीन में क्या कर रही हूँ, आपको एक डेढ़ घंटा इस डो को लाजमी राइज होने के लिए रखना है। फिर आपने डो के छोटे बॉल्स बनाए, उसमें आपने इस तरह एक एक टीस्पून ये फिलिंग भरी, ठीक है, फिर आप इस तरह इसको बीच में लाते जाइए, फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर, ठीक है, वरना ऐसे लगेगा कि फिर बंस में से बाहर आ रही है। इसको पिंच कर दीजिए ऐसे करके ताकि खुले ना ये बिल्कुल भी, और इसको फिर आप स्मूथ एक बॉल में ऐसे करके कर दीजिए, ठीक है, ये करते जाइए और ये फिलिंग आप इसमें रखते जाइए। ये करके भी आपको इसको एक दफ़ा फिर राइज होने के लिए छोड़ना है। एक एक चम्मच बस जाता है अंदर, फिलिंग काफ़ी सारा है, फिलिंग आप बचा के रख दीजिए या आप स्प्रिंग रोल्स में भर दीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है, लेकिन फिलिंग ज़्यादा है, मैं पहले से बता रही हूँ। अगर आपको पूरी फिलिंग इस्तेमाल कर लेनी है तो डो डबल कर दीजिएगा। ऐसे करके इसको पिंच कर दीजिएगा कि खुले ना, और फिर इसको राउंड बॉल कर दीजिएगा। अब देखिए ये मैंने पहले जो बनाए कितना राइज हो गया, ये पहले वाला। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे ये सफ़ेद और काले तिल और थोड़ा सा दूध। बनाते जाइए, रखते जाइए, और फिर उसको राइज होने के लिए दोबारा किसी गर्म जगह में रख दीजिए और फिर आप उसको बेक करेंगे, ठीक है जी, दूध और तिल लगा के। रेसिपी सारी ट्राई करिएगा, ना सिर्फ मेरे मीठे खाना भी ट्राई करिएगा ज़रूर। काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, हर हफ्ते जब भी टाइम मिले, छुट्टी हो, सैटरडे संडे हो, रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब जल्दी से क्या करते हैं, हम नेचुरल कुकिंग ऑयल को इस टिन में थोड़ा सा लगाते हैं, उसको ग्रीस करते हैं। आप लोग प्लीज़ याद से ना राइज करने के लिए इसको रखिएगा। अभी मैं इसको टिश्यू से थोड़ा सा स्प्रेड कर दूं ऐसे। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो बंस है ना, स्टफ्ड वेजिटेबल बंस, उनको यहाँ ये वाला पोर्शन नीचे रखिएगा, देखिएगा अच्छी तरह बंद हो, ठीक है, ये इसी तरह बंद होना चाहिए, बेशक आप साथ साथ जोड़ के लगा दें। और आप इसको दोबारा राइज होने के लिए आधा घंटा छोड़ेंगे, इसको कहते हैं डबल प्रूफ करना, ठीक है, ये बहुत लाजमी होता है। आप देखेंगे कितने मज़े, कितने और बड़े बड़े राइज हो जाएंगे, ठीक है जनाब। ये अब हमारे पास तो टाइम नहीं है, ये कर लिया मैंने, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूध लेंगे, ब्रश 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 ब्रश, और सफ़ेद और काले तिल, सफ़ेद तिल, काले तिल, एंड आप इसको बेक करेंगे 20 मिनट। आप लोग राइस करेंगे, मैं बेक कर देती हूँ। कराची से नवाब बानो हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो,
अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं ज़ैना साहब? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। हमारी कॉल बहुत दिनों के बाद मिली है, हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू, वेलकम टू माय शो, फरमाइए। इतनी दफा कॉल मिलाई है, हमने मिलती नहीं थी। चले ना, आज मिल गई, अब बोले सब कह दें। हाँ जी, मिल गई है। और दूसरे हम आपके सवाल का जवाब देंगे जी। आपने गाजर का हलवा बनाया है, खुबानी का मीठा बनाया है, रसगुल्ले बनाए थे, और उसके अलावा जो है बनाना का, बनाना की वो जूस बनाया था, देसी मीठे, ठीक है। अच्छा, बनाना भी तो देसी नहीं आता है, इंग्लिश में बनाना केले का शेक बोल दू नहीं अच्छा, बिस्किट्स बनाए थे आपने। ओके, बस हमने आपका जवाब नोट कर दिया है, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे शामिल कर जी, शामिल करते हैं सबको। ओके, अच्छा, जर्दा पुलाव के लिए पहले मैंने घी गरम कर दिया था, वो पिघल गया था, तो उसमें मैंने क्या डाला, मैंने बादाम पिस्ते डाल दिए चॉप करके, प्लेन जो भी जिस तरह भी आपको करना है। फिर यहाँ थोड़ा सा जो दूध है इसके अंदर हमने ज़ाफ़रान डाल दिया, और मेक श्योर कि पूरा ज़ाफ़रान इसमें आ जाए, बिकॉज काफ़ी मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, और ये देखें अच्छी क्वालिटी का होगा, तो अंदर जाते ही इसका रंग ऐसे पीला हो जाएगा। खैर, येलो कलर भी लेके आई थी, लेकिन ज़ाफ़रान से और हल्दी से इतना अच्छा रंग पीला इसका आ गया है, सो वी डोंट नीड टू ऐड एनी येलो कलर, ठीक है। अच्छा जी, चावलों को मैंने उबाला पानी में, उसमें मैंने इलायची पाउडर डाला, आप इलायची साबुत डाल सकते हैं, लौंग डाले मैंने, आप दालचीनी भी डाल सकते हैं दो तीन स्टिक्स, और मैंने इसमें डाला बहुत थोड़ा सा हल्दी, और बस आप पका लीजिए, फुल डन चावल होने चाहिए, फिर ड्रेन कर दीजिएगा, पानी इस तरफ रख लीजिएगा। अब इसी में हम डालेंगे जायफल का पाउडर यानी नटमैग, और हम इसमें डालेंगे चार मगज, थोड़े से ये मेलन सीड्स होते हैं, चार मगज थोड़े से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम इसमें रोज़ वाटर डालेंगे, अरके गुलाब, ब आतिश से आतिश, जो भी आपको डालना है, चीनी जाएगी, ठीक है, और ये ज़ाफ़रान और दूध जाएगा, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ मिक्स इन क्रैनबेरीज़ या किशमिश डाल दें, जो भी आपको करना है। फिर इसमें चावल जाएंगे, और आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारे नट्स के साथ, चीनी के साथ, मैंने पिसी हुई चीनी यूज़ की है तो जल्दी वो पिघल जाएगी। घी में ही बनाइएगा, देसी मीठे आप देखते हैं, मैं हमेशा घी में बनाती हूँ, और मिक्स कर दीजिए, और ये ज़रदा पुलाव रेडी। सोचें कितना आसान है। फिर आप एंड में उसमें अनारदाना मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल करूंगी, और इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूंगी, अनार इज द ओनली थिंग जो एंड में डालेंगे, बस दैट्स इट। थोड़ा सा दूध इसी में करते हैं, क्योंकि ये नहीं जाया हो मेरे ज़ाफ़रान। सब कुछ हो गया है, ओनली अनार इज लेफ्ट। अंजुम है कराची से जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ैना साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हूँ, और सबसे अच्छा बात ये कि आपकी जो ड्रेसिंग होती है बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, थैंक यू जी, मेरे अपने ही कपड़े हैं है, मुबारक। अच्छा, आपके सवाल का जवाब दूंगी जी। आपने रसगुल्ले बनाए थे, गाजर का हलवा बनाया था, खुबानी का मीठा बनाया था, और उसके अलावा जो है ना कुकीज तो आप बनाती ही रहती हैं, मीठे सारे केक, कुकीज, केक कहाँ से देसी में आया मेरी बहन, सिर्फ देसी मीठे। अच्छा चैलेंज, बहरहाल ये तो तीन तो है ना। हाँ हाँ, हमने भी नोट कर दिया है, मगर आपको तंग करना लाजमी है ना, है कि नहीं। अच्छा चलें, देखिए एग फ्री मेयोनीज बना रहे हैं, अंडे हैं ही नहीं, अंडों के बगैर वाली मेयोनीज बना, मेरे डायरेक्टर साहब इतना शोर कर रहे हैं, ब्रेक है, ब्रेक है, ओके ब्रेक है गाइस, ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक टू। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, क्लीन अप करेंगे, बंस हमने अवन में बेक करने रख दिए हैं, स्टफ्ड वेजिटेबल बंस जिसमें हमने डिपिट का सॉस डाला था, जर्दा पुलाव बिल्कुल हल्की आँच पे है, देखें सिमर पे आ गया है, यहाँ आपको पानी नज़र आ रहा है, एग फ्री मेयो हम सर्व करेंगे विथ द स्टफ्ड बंस। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी, और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से गिफ्ट अपने किचन के लिए, तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बहुत सारे SMS कर देंगे, ठीक है, और आप मुझे बताएंगे के देसी मीठों के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक।
ही मैं यहाँ वेट कर रही थी. मैंने ज़रदा पुलाव निकाल दिया था प्लेटर पे और इसमें सिर्फ आपने अनारदाना डालना है इनमें, ठीक है. ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, टर्न्स आउट रियली नाइस, और बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा. और बहुत ही आसान है, अगर आपके पास बॉयल किए हुए चावल पड़े हैं ना तो उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मगर इसी तरह बनाइएगा फिर, ठीक है. लाल लाल मज़ेदार अनार आए हुए हैं, अभी हैं सीज़न में, तो मैंने सोचा उसी से हम डेकोरेट कर देते हैं. चलें, सब कुछ हो गया है, बंस हमारे बेक हो रहे हैं अवन में. 20 मिनट लगेंगे हमारे अवन में राइज होने के लिए. आप डो को प्लीज़ पहले 1 से 1.5 घंटा सर्दियों में रख दीजिएगा, फिर उसके बॉल्स बनाइएगा, फिर वो सब्ज़ी का मिक्सचर ठंडा हो तो अंदर भरिएगा, फिर बंद करके उसको रख दीजिएगा जैसे भी मैंने रखा है. और अब अलग अलग भी रख सकते हैं, जोड़ के नहीं रखना है तो एक ट्रे पे अलग अलग रख दीजिएगा, फिर उसको दोबारा ढाक के रख दीजिएगा किसी गर्म जगह में जहाँ उसको हवा ना लगे और वो और डबल राइज हो जाए. सेकंड प्रूफिंग उसको कहते हैं, ठीक है. फिर उसको आप सर्व करिएगा ये एग फ्री मेयोनीज के साथ जो हम क्रीम के साथ बनाने जा रहे हैं. एक पैकेट क्रीम है तो मैं उसको डाल देती हूँ. ये एक्चुअली 2 बोल्स में है लेकिन है ये एक ही पैकेट, 200 मिलीलीटर्स का हमारा पैकेट होता है. झटपट एक सॉस बनाना मैंने आपको सिखा दिया और उसी तरह बनाएंगे जैसे हम मेयोनीज में ड्रिजल करते हैं ऊपर से वो ऑयल. लहसुन है, 1-2 जवे लहसुन के डालिएगा साथ. कुटी हुई काली मिर्चें हैं थोड़ी सी, और बहुत थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे. मस्टर्ड पेस्ट है, ठीक है जी, ये मस्टर्ड पेस्ट है. और क्या है, लेमन जूस. ये लेमन जूस चला गया. अब आप इसको हल्की धार में खोलिए, चखिए. नमक मिर्च कुछ डालना हो डालिए और फिर इसको निकालिए. ये देखें, ये एग फ्री मेयोनीज है. किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कैसे बनाई है. सीक्रेट है हमारी और आपकी, ठीक है, किसी को बताइएगा नहीं. और बस फिर हम इसको निकालते हैं किसी बोल में. और ये जो बंस हैं, वेजिटेबल स्टफ्ड बंस हमारे हैं, मज़ेदार से चीज़ भी अंदर है, डिपिट का सॉस भी है, उसके साथ सर्व करेंगे, ठीक है जी. तो ऐसे करते हैं हम रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं. अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से ये डिलक्स केटल हमारे शो पे जो है. और मुझे बताइए देसी मीठों के नाम जो मैंने बनाए हैं, ठीक है. 2-3 देसी मीठों के नाम लिखिएगा, 8881 पे SMS करिएगा और मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. हम लेते हैं ब्रेक, कुछ भी मिस आउट हो गया हो तो देख लीजिएगा रेसिपी कार्ड में और नोट ज़रूर करिएगा. स्टफ्ड बंस. अच्छा, मैदा 1.5 कप, दूध 1/4 कप, नीम गर्म पानी 1/4 कप, खमीर 3/4 खाने के चमचा, चीनी 1 खाने के चमचा, नमक हसब ज़रूरत, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, काले तेल 1/4 चमचा. स्टफिंग के लिए अज्जा, कटी गोभी 1 कप, उबला कुचला आलू 1 अदद, कटी गाजर 1 अदद, कटे ग्रीन बीन चंद, कटी प्याज 1 अदद, अजवाइन 1/4 चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चमचा, चीज़ 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 1/4 चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, हरा धनिया हसपे ज़रूरत, लीमू रस के लिए आधा, तेल हसपे ज़रूरत. तरकीब, 1 बोल में नीम गर्म दूध, चीनी और खमीर डालकर मिक्स करके 5 मिनट रख दें. अब 1 बोल में मैदा, पानी, जैतून का तेल, नमक और बनाया हुआ खमीर का मिक्सचर शामिल करके नरम डो बना लें. इसे ढककर 1 घंटा रख दें. स्टफिंग के लिए एक पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा भून लें. उसके बाद इसमें प्याज डालकर फ्राई करें. अब इसमें सब्जियाँ शामिल करके पकाएं. इसमें नमक और बाकी मसाले और सॉस शामिल करके पकाएं और निकाल लें. उसके बाद इसमें हरा धनिया, लीमू का रस और चीज़ डालें और ठंडा करने रख दें. अब डो को दोबारा रोल करके बॉल्स बनाएं और स्टफिंग भरकर बेकिंग ट्रे में डालें और तिल छिड़कें. आखिर में तेल से ब्रश करके 190°C ओवन में 20 मिनट बेक करके सर्व करें. ज़रदा पुलाव. अज्जा, चावल 1 कप, दूध 1/2 कप, हल्दी 1/4 चमचा, घी 4 खाने के चमचे, कुटी हरी इलायची 1 खाने के चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 3 अदद, साफरान 1/4 चमचा, जायफल 1 चुटकी, चीनी 1/4 कप,
अरके गुलाब एक खाने के चम्मच, अनार आधा कप, बादाम एक चौथाई कप, पिस्ते दो खाने के चम्मच, किशमिश तीन खाने के चम्मच, खुश्क आड़ू दो खाने के चम्मच, मेलन सीड्स दो खाने के चम्मच। तरकीब, पानी उबाल कर इसमें एक चाय का चम्मच बादाम, तीन से चार अदद इलायची, एक अदद लौंग और चावल शामिल करके पकाएं और चम्मच चलाएं। अब आँच धीमी करके पकाएं, फिर पैन में दूध गर्म करें और ज़ाफ़रान में डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद दो खाने के चम्मच घी गर्म करके दालचीनी कुटी हरी इलायची लौंग और तमाम मसाले शामिल करके सौते कर लें। अब इसमें बाकी बादाम, पिस्ते, किशमिश, खुश्क आड़ू और मेलन सीड्स शामिल करके सौते करें। फिर इसमें पकाए हुए चावल और हल्दी शामिल करके मिक्स करके धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद इसमें दूध में भीगा ज़ाफ़रान और चीनी डालकर सौते करें। आखिर में अनारदाना शामिल करके सर्व करें। एग फ्री मायो, अच्छा क्रीम आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट एक खाने का चम्मच, कटा लहसुन एक जवा, काली मिर्च एक चौथाई चाय का चम्मच, नींबू का रस आधा चाय का चम्मच, जैतून का तेल एक चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब, ब्लेंडर में क्रीम, नींबू का रस, कटा लहसुन और काली मिर्च डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल शामिल करें। आखिर में इसे बंजार में रखें और ठंडा करके सर्व करें। एग फ्री मायो, अच्छा क्रीम आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट एक खाने का चम्मच, कटा लहसुन एक जवा, काली मिर्च एक चौथाई चाय का चम्मच, नींबू का रस आधा चाय का चम्मच, जैतून का तेल एक चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। एग फ्री मेयोनीज बनाना सिखाया है क्रीम के साथ, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। मेयोनीज़ जैसा ही टेस्ट में लगता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है अभी, ज़रदा पुलाव, अनार जस्ट ब्रिंग्स आउट द कलर मोर। और मैंने सिर्फ हल्दी और ज़ाफ़रान इस्तेमाल किया है, मैंने कलर डाला भी नहीं है, फिर भी इतना अच्छा पीला रंग आया है। जो हमारे बंस हैं वो भी बेक हो गए हैं, मज़ेदार से अच्छा कलर ऊपर आया है, दूध लगाया था हमने, सफ़ेद और काले तिल भी लगाए थे। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा और देखें, ऐसे जुड़े हुए होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे समाओ इस तरह पुल अपार्ट ब्रेड बहुत अच्छा लगता है। फिर आप एक खींच के अलग अलग हो जाएंगे आराम से, और अंदर स्टफ़ की हुई सब्ज़ियाँ, चीज़, मज़ेदार सा रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। डिपिट के सॉसेस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और आज के विनर हैं शाहिद पिंडी से, और चिकन पसंद है और गुड़ के चावल रिदा बना रही है तड़का में, हमारे शो के बाद जो पहला लाइव शो है 2:30 बजे, ठीक है। देखिएगा उनका भी शो, सारे हमारे शेफ्स बहुत अच्छे हैं, वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी नाइस। सबके रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, सबके शोज़ देखिएगा। मेरा शो रात में 10:30 से 11:30 रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।